जीत ले हम सारी दुनिया, पीछे हमें अटकने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था, एकांतता और शांति से जीवन का आनंद लेना हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए हमें उनकी चीजें लेने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। उनके बैग, अलमारी इत्यादि में नहीं झांकना चाहिए। कमरे में जाने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। कान लगाकर किसी की कमरे की बातें नहीं सुननी चाहिए और चाबी के छेद से झांकना भी नहीं चाहिए। किसी के पत्र, ईमेल, एसएमएस इत्यादि नहीं पढ़ने चाहिए। चलिए इस परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। जब फोन की घंटी बजी तब कंचन घर में थी। उसने फोन उठाया तो दो व्यक्तियों के बात करने की आवाज आ रही थी। कंचन के फोन की लाइन गलती से उनके साथ जुड़ गई थी। अब कंचन को क्या करना चाहिए? उन व्यक्तियों की बातें सुननी चाहिए, उस बातचीत में जुड़ जाना चाहिए, फोन रख देना चाहिए। उसे फोन रख देना चाहिए ताकि उनकी बातें सुनाई ना दे। उनकी बातें सुनने का अर्थ है ताका झांकी करना और एकांतता में दखल देना। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए फोन पर कोई लाइन जुड़ जाए तो दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। अगली परिस्थिति देखते हैं। कार्तिक लंबी दूरी तय करके अपनी बुआ के घर जा रहा था। उसके साथ बैठे यात्री को लगा कि वह अकेला महसूस कर रहा है, इसीलिए वह पूरे सफर में उससे बातें करता रहा। वह उसकी यात्रा का उद्देश्य, परिवार के सदस्यों की बातें इत्यादि पूछता रहा। कार्तिक को गुस्सा आने लगा। क्या दो विद्यार्थी इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। क्या उस यात्री का यह सोचना सही था कि कार्तिक अकेलापन महसूस कर रहा है? बिल्कुल नहीं। उस यात्री के इरादे नेक थे पर उसकी धारणा गलत थी। ज्यादातर परिस्थितियों में अजनबियों से बात करना एक कौशल होता है। इससे हम लोगों के बारे में जान पाते हैं और हमारी जागरूकता बढ़ती है। पर हमें यह पता होना चाहिए कि हर एक चीज की एक सीमा होती है। उस सीमा को लांघने का मतलब है दूसरों की एकांतता में दखल देना। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए लोगों की इच्छा के बिना उनसे बात नहीं करनी चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ जबरदस्ती बातचीत की हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। जब किसी ने आपकी एकांतता का आदर ना करके जबरदस्ती बात की तब आप बहुत चिढ़ गए होंगे। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई हमारे साथ बातचीत करना चाहता है
या नहीं? हम ऐसी परिस्थिति से कैसे बच सकते हैं? हमें किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? कुछ लोग शर्मीले और शांतिप्रिय होते हैं। वे आम लोगों की तुलना में कम बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति निरंतर प्रयास के बाद भी एक या दो शब्दों में उत्तर दे और कम से कम बातचीत करे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह वार्तालाप नहीं करना चाहता। यह एक संकेत है जो हमें बताता है कि वह व्यक्ति एकांत चाहता है। कुछ लोग सटीक और स्पष्ट तरीके से ही यह बताकर वार्तालाप खत्म कर देते हैं, पर हमें यह समझना चाहिए कि सब लोग स्पष्ट रूप से यह नहीं कह पाते। हमें और भी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उबासी लेना, बार बार हिलना डुलना, किसी काम में जुटने का प्रयास करना इत्यादि। जब ऐसा कोई संकेत मिले तो हमें उस व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए। इन छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देकर हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति बातचीत नहीं करना चाहता, उसके संकेत। एक दो शब्दों में जवाब देना। दो, स्पष्ट रूप से यह बताना कि वह बात नहीं करना चाहता। तीन, उबासी लेना। चार, बार बार हिलना डुलना। पांच, किसी काम में जुटे रहने का प्रयास करना। छह, बात पर ध्यान ना देना। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? पंकज पार्क में अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। उसके पास एक और व्यक्ति बैठा था। वह हाल ही में हुए एक क्रिकेट मैच के बारे में बात करने लगा। पंकज को खेल कूद में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। पंकज वहां से उठकर नहीं जा सकता था और उस बातचीत को भी सहन नहीं कर सकता था। अपने हाव भाव के द्वारा पंकज को यह दर्शाना है कि वह वार्तालाप नहीं करना चाहता। क्या दो विद्यार्थी इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। चलिए इस परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आम तौर पर शीला अपनी डायरी सबसे छुपा कर रखती है। एक दिन कैंप में वह बहुत थक गई थी। रात को डायरी में लिखते लिखते ही उसे नींद आ गई। उसकी छोटी बहन विनीता जब कमरे की लाइट बंद करने आई तो उसने देखा कि शीला की डायरी खुली हुई थी। उत्सुकतावश उसने डायरी उठा ली। अगर वह उन व्यक्तियों में से है जो दूसरों की एकांतता का आदर नहीं करते, तो वह क्या करेगी? क्या कोई एक विद्यार्थी आगे आकर विनीता का अभिनय करके दिखा सकता है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। विनीता यह नहीं जानती कि किसी की डायरी पढ़ना अनुचित है, इसीलिए उत्सुकतावश वह डायरी को पढ़ सकती है। शीला की एक बड़ी बहन है सुनीता। वह जानती है कि किसी की एकांतता में दखल नहीं देना चाहिए। अगर कमरे की लाइट बंद करने सुनीता आती तो वह क्या करती? क्या कोई दूसरा विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय कर सकता है? धन्यवाद। डायरी खुली थी, फिर भी सुनीता डायरी को पढ़े बिना उसे बंद कर देगी। डायरी में किसी व्यक्ति के विचारों और भावनाओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से लिखा होता है।
अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी को डायरी दिखाए तो ठीक है, नहीं तो किसी भी व्यक्ति को किसी और की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। किसी की एकांतता का आदर करने का यह भी एक तरीका है। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए किसी के व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे कि डायरी इत्यादि नहीं पढ़ने चाहिए। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। लता और उसकी नई सहपाठी सुधा एक दूसरे से बात कर रहे थे। वे एक दूसरे के शौक, परिवार इत्यादि के बारे में पूछ रहे थे। बातों बातों में लता ने शबाना के परिवार की आय और उनकी जाति के बारे में पूछा। सुधा को यह बात बहुत बुरी लगी। लता सही थी या गलत? बिल्कुल गलत थी। सुधा को बुरा लगा क्योंकि किसी के आर्थिक और निजी मामलों जैसे कि आय और जाति के बारे में पूछना अनुचित होता है। जब हम किसी व्यक्ति को अच्छी तरह नहीं जानते तो यह भी अनुचित होता है। इसी तरह किसी की उम्र, परिवार, शारीरिक और मानसिक परेशानियों के बारे में पूछना भी अशिष्ट और अनुचित होता है। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आय, जाति, शारीरिक परेशानियां इत्यादि नहीं पूछने चाहिए। कुछ संस्कृतियों में कुछ बातें स्वीकार्य होती हैं और कुछ संस्कृतियों में वही बातें अस्वीकार्य होती हैं। जैसे कि गांवों में अगर बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हों तो जवान व्यक्ति उनके सामने नहीं बैठते, जबकि शहरों में इसे अशिष्ट नहीं माना जाता। कभी ये अंतर एक ही संस्कृति में अलग अलग समय पर देखे जाते हैं। इसी तरह एकांतता भी अलग अलग समाजों में और देशों में अलग तरह से देखी जाती है। अगर किसी के साथ हमारी गहरी दोस्ती ना हो तो हमें एकांतता का ध्यान रखना चाहिए और किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एकांतता का आदर करते हुए हमें किसी के मामले में जरूरत से ज्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए सतर्क रहना चाहिए और जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। एकांतता का आदर करने का एक और तरीका है गोपनीयता का ध्यान रखना। हमें किसी की निजी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह हमारा कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक और परिस्थिति के बारे में जानेंगे। आप एक संग्रहालय में कोई प्रदर्शनी देख रहे हैं। अचानक आपके पास कोई लाइट चमकती है। आप मुड़कर देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी फोटो ले रहा है। आपको कैसा लगेगा? धन्यवाद। अगर आप उन व्यक्तियों में से हैं जो अपनी एकांतता को बहुत ध्यान से रखते हैं तो आपको यह बात बहुत बुरी लगेगी। आपकी तरह सोचने वाले किसी और व्यक्ति को भी यह बात उतनी ही बुरी लगेगी। किसी का फोटो लेने से पहले हमेशा उनकी इजाजत लेनी चाहिए। दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए किसी का फोटो लेने से पहले हमेशा उनकी इजाजत लेनी चाहिए। हमने देखा कि किन किन तरीकों से हम दूसरों की एकांतता का आदर कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। बिना किसी के दखल के
शांति से जीवन जीना हम सबका अधिकार है। इससे दो तरफा आत्मसम्मान बढ़ता है। जो किसी की एकांतता का आदर करता है उसका भी आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि वह अपनी सीमा में रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप यह करता है तो दूसरे व्यक्ति का आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहता है। एकांतता का आदर करना शिष्ट और संस्कारी व्यवहार की निशानी है। संस्कारी लोग हमेशा दूसरों का, उनकी भावनाओं का और उनकी एकांतता का आदर करते हैं। दूसरों की एकांतता का आदर करने से आत्मसम्मान बढ़ता है, संस्कारी व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। क्या अब हम आज सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? दूसरों की एकांतता का आदर करने के लिए फोन पर कोई लाइन जुड़ जाए तो दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। लोगों की इच्छा के बिना उनसे बात नहीं करनी चाहिए। किसी के व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे कि डायरी इत्यादि नहीं पढ़ने चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आय, जाति, शारीरिक परेशानियां इत्यादि नहीं पूछने चाहिए। सतर्क रहना चाहिए और जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। किसी का फोटो लेने से पहले हमेशा उनकी इजाजत लेनी चाहिए। दूसरों की एकांतता का आदर करने से आत्मसम्मान बढ़ता है, संस्कारी व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न एक। स्कूल के मैदान में सीता को एक रिपोर्ट कार्ड मिला। सीता को उस विद्यार्थी के अंक देखने की इच्छा हुई, उसे क्या करना चाहिए? उत्तर एक। रिपोर्ट कार्ड में दिए अंक पढ़कर उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह कार्ड उसकी कक्षा के छात्र का नहीं। दो। रिपोर्ट कार्ड जिसका है उसका पता लगाना चाहिए, उसके अंक पढ़ने चाहिए और कक्षा की शिक्षिका को रिपोर्ट कार्ड सौंप देना चाहिए। तीन। रिपोर्ट कार्ड जिसका है उसका पता लगाना चाहिए और अंक पढ़े बिना उस व्यक्ति को या फिर उसकी कक्षा की शिक्षिका को दे देना चाहिए। प्रश्न दो। आपके पड़ोस में एक नया लड़का रहने आया है। उसके परिवार में केवल वह और उसके पापा हैं। पड़ोस के लोग आपस में बातें करते हैं कि उस लड़के के माता पिता का तलाक हो गया है। राजन और उसके दोस्त एक खेल खेल रहे हैं। उसके दोस्त उसे चुनौती देते हैं कि वह उस नए लड़के की माँ के बारे में पता लगाए। राजन को क्या करना चाहिए? उत्तर एक। स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि वह उस लड़के का निजी मामला है और उसकी एकांतता का आदर करना चाहिए। दो। उस लड़के से उसकी माँ के बारे में पूछना चाहिए। तीन। कहना चाहिए मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि यह गलत है। अगर कोई खुद मुझे इस बारे में बताए तो उनके बारे में जानने में कोई परेशानी नहीं है।
क्या आप अगली क्लास में आने से पहले पूरा गृह कार्य करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न एक। स्कूल के मैदान में सीता को एक रिपोर्ट कार्ड मिला। सीता को उस विद्यार्थी के अंक देखने की इच्छा हुई, उसे क्या करना चाहिए? यह जवाब। रिपोर्ट कार्ड में दिए अंक पढ़कर उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह कार्ड उसकी कक्षा के छात्र का नहीं, अनुचित है। इसमें दूसरों की एकांतता का आदर नहीं किया गया है और कार्ड को उस छात्र तक पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की गई है। यह जवाब। रिपोर्ट कार्ड जिसका है उसका पता लगाना चाहिए, उसके अंक पढ़ने चाहिए और कक्षा की शिक्षिका को रिपोर्ट कार्ड सौंप देना चाहिए, भी अनुचित है, क्योंकि इसमें दूसरों की चीजों को सही जगह पहुंचाने का प्रयास तो किया गया है पर उनकी एकांतता का आदर नहीं किया गया है। जबकि यह जवाब। रिपोर्ट कार्ड जिसका है उसका पता लगाना चाहिए और अंक पढ़े बिना उस व्यक्ति को या फिर उसकी कक्षा की शिक्षिका को दे देना चाहिए, उचित है। इसमें दूसरों की एकांतता का आदर किया गया है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न दो। आपके पड़ोस में एक नया लड़का रहने आया है। उसके परिवार में केवल वह और उसके पापा हैं। पड़ोस के लोग आपस में बातें करते हैं कि उस लड़के के माता पिता का तलाक हो गया है। राजन और उसके दोस्त एक खेल खेल रहे हैं। उसके दोस्त उसे चुनौती देते हैं कि वह उस नए लड़के की माँ के बारे में पता लगाए। राजन को क्या करना चाहिए? यह जवाब। उस लड़के से उसकी माँ के बारे में पूछना चाहिए, अनुचित है, क्योंकि इसमें दूसरों की एकांतता का आदर नहीं किया गया है। यह जवाब। कहना चाहिए कि मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि यह गलत है। अगर कोई खुद मुझे इस बारे में बताए तो उनके बारे में जानने में कोई परेशानी नहीं है, भी अनुचित है। इसमें सीधे तरीके से किसी की एकांतता में दखल नहीं दिया गया है पर किसी और तरीके से एकांतता में दखल देने का इरादा दर्शाया गया है। जबकि यह जवाब। स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि यह उस लड़के का निजी मामला है और उसकी एकांतता का आदर करना चाहिए, उचित है, क्योंकि इसमें दूसरों की एकांतता का आदर किया गया है और दूसरों को भी शिष्ट व्यवहार करने की सलाह दी गई है। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन्होंने सही जवाब पहचान लिए थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?